दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर भी अब गाड़ियां फर्राटा भरने लगी हैं। 384 दिन बाद सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से खुल गया है। करीब एक साल से सिंघू बॉर्डर पर ट्रैफिक बंद था। बंद से परेशान लोगों की परेशानी और ना बढ़ाते हुए सरकार ने बिना सड़कों की मरम्मत के ही आवाजाही को खोलने का फैसला किया। सिंघू बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारियों ने पक्का ठिकाना बना लिया था, जिसको तोड़ने के लिए जेसीबी की मदद तक लेनी पड़ गई थी। इसी तोड़फोड़ की वजह से सड़कों का हाल अभी बदहाल है। फिलहाल आवाजाही शुरू हो जाने से अब लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।